एक राजा बहुत सनकी था। उसे सबसे लंबी कहानी सुनने की सनक सवार हुई। राजा के हुक्म से मुनादी कराई गई। सुनो 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 सुनो, महाराज धीराज का हुक्म है कि जो उसे सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे रामगढ़ की जागीर तथा एक मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मगर जिसकी कहानी लंबी ना हुई उसे कारावास में भी डाल दिया जाएगा। सुनो 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 सुनो। यह सुनकर दूर दूर से कहानीकार आए, परंतु राजा को संतुष्ट ना कर पाए। कहानियां तो लंबी थीं, परंतु राजा सोचता, कहानी तो सुन ली है, अब व्यर्थ में जागीर क्यों दूं? धीरे धीरे बहुत से कहानीकार कारावास में बंद कर दिए गए। एक कहानीकार के नौजवान बेटे को अपने पिता का कारावास में बंद होना बहुत खला। उसने राजा को सबक सिखाने का मन बना लिया और जा पहुंचा राज दरबार कहानी सुनाने के लिए। बोला, महाराज, एक किसान का बहुत बड़ा खेत था। उसने जवार बो रखी थी। पास ही एक पेड़ पर ढेरों चिड़ियों का झुंड रहता था, इसलिए जब भी किसान बीज बोने आता चिड़ियों बीज निकालकर खा लेती थी। एक बार उसने सोचा कि वह खुद अपने खेत की रखवाली करेगा। चिड़िया भी कौन सी हार मानने वाली थी, उन्होंने भी योजना बनाई, बस काम आसान हो गया। एक चिड़िया आई, खेत में से बीज का दाना चुगा और हो गई फुर। फिर एक चिड़िया आई और दाना चुगा और हो गई फुर। और फिर एक और चिड़िया आई, दाना चुगा और हो गई फुर। फिर एक और दाना चुगा और हो गई फुर। राजा बोला, फिर क्या हुआ? होना क्या था जी, फिर एक चिड़िया आई, दाना चुगा और फुर। फिर आगे क्या हुआ? महाराज, चिड़िया आई, दाना चुगा, फुर। ठीक है भाई, अब आगे भी तो बोलो। वही तो कह रहा हूँ महाराज, चिड़िया आई, दाना चुगा और फुर। राजा को फुर फुर सुनकर बोरियत होने लगी और बोला, ठीक है, मान लिया, सारी चिड़िया आई और उन्होंने सारे दाने चुन लिए, अब आगे भी तो बोलो। ऐसे कैसे चुग लिए महाराज, एक एक चिड़िया आएगी, एक एक दाना चुगेगी, सभी दाने खत्म होंगे, तभी तो कहानी आगे चलेगी। एक चिड़िया आई, दाना चुगा और फुर्र। राजा समझ गया कि आज शेर को सवा शेर मिला है। ये कहानी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, इसे दंड कैसे दूं? इसे इनाम देकर ही पीछा छुड़ाना बेहतर है। बोला, अरे नौजवान, तू फुर्र बंद कर, सचमुच तेरी कहानी सबसे लंबी है, तुम्हें रामगढ़ की जागीर इनाम में दी जाती है। परंतु महाराज, मेरा मुंह मांगा इनाम? हाँ हाँ, वो भी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरा इनाम यही है कि आप सभी बंद कहानीकारों को छोड़ दें। बिना बात किसी को सताना अच्छी बात थोड़ी ही है, इससे राजलक्ष्मी नाराज हो जाती है और देश और राजा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे वतन पर ऐसी विपदा कभी ना आए। बात तो तुम्हारी ठीक है, हम हुक्म सुनाते हैं, सभी कहानीकारों को बाद अब छोड़ दिया जाए। ये युवक बहुत समझदार है। हम घोषणा करते हैं कि हम राजकुमारी का ब्याह इस युवक से करेंगे और हमारे बाद यही इस देश के महाराज होंगे। इस प्रकार युवक ने अपने पिता को ही नहीं छुड़ाया, बल्कि सूझबूझ से राजा को सही रास्ते पर भी ले आया।